दिस इज दानिश फ्रॉम डीएफएल लाइव टीवी। आइए हम आपको बताते हैं कि अभी हम लंकावी पे किस जगह पे खड़े हुए हैं, और ये पूरा लंकावी का मैप देख रहे होंगे हम किस तरह आए, क्या किया और कहां हम लोगों ने अब आगे जाना है। आइए पहले मैं शुरू करता हूं यहां से। ये कोला पैलेस, यहाँ पे हम लोग आए थे और यहाँ से हमने एक फेरी पकड़ी थी जो कि 1.25 घंटे में हमें यहाँ पे कोवा टाउन लेके आई थी, जो कि एक फेरी टर्मिनल है। यहाँ पे उतरने के बाद हम लोगों ने एक टैक्सी पकड़ी एक ऑस्ट्रेलियन के साथ, और यहाँ से हम ऑल द वे इधर आ गए, जो कि यहाँ पे एक सेंटर है, अंडर वाटर वर्ल्ड कहलाता है, जो कि बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे क्लब्स हैं, होटल्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ से फिर हम लोगों ने एक पैकेज लिया था जो कि 4 आइलैंड पैकेज था, जो कि हमें 4 डिफरेंट आइलैंड्स पे लेके गया था, जो कि मैं आपको बताऊंगा 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 आइलैंड्स पे फिश मसाज, ईगल फीडिंग और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी जो कि बहुत एक्साइटिंग था, बहुत मज़ा आया। अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं सुबह का, अभी इधर यहाँ का 1 बज रहा है, हम लोगों ने अभी नाश्ता वाश्ता खाना वाना खा के अब हम लोग रेडी हैं और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ऑल द वे एयरपोर्ट से होते हुए इस जगह पे जहाँ पे लंकावी केबल कार है, जो कि बहुत खूबसूरत है, उसकी वीडियो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लंकावी केबल कार से होते हुए हम क्रोकोडाइल केव जाएंगे, बैट्स केव जाएंगे, 7 वेल्स जाएंगे जहाँ पे 7 वेल्स आपस में आगे एक जगह मिल रहे हैं, और उसके बाद हम वापस ऑल द वे होते हुए अपने होटल आएंगे। एंड देन आई थिंक कल या परसों, ये डिपेंड करता है, कल या परसों हम लोग वापस इधर आएंगे कोवा टाउन, जो कि एक फेरी टर्मिनल था जहाँ से हम कोला पैलेस से यहाँ पे आए थे। अब यहाँ से हम लोग कोला पैलेस के बजाय सैतून थाईलैंड की फेरी पकड़ेंगे, जो भी 1.5 घंटे की है, और यहाँ से हम लोग फुकेट की तरफ निकल जाएंगे। फुकेट में 3-4 दिन का स्टे करके हम लोग बैंकॉक जाएंगे, और जो कि बहुत एक्साइटिंग ट्रिप है, बहुत मज़ा आएगा। आगे फिर मिलते हैं, बाय।